नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बर्बादी की कगार पर खड़े पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर एक बार नई बेइज्जती सबके सामने आई है। इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ अकेले पाकिस्तान की ही बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि इसमें उसका खास साथी चीन भी लपेटा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को म्यांमार को दिए थे वो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ भारत चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है, तो वही हमारी तरक्की से जल रहे पाकिस्तान के बनाए एयरक्राफ्ट उड़ तक नहीं पा रहे हैं। JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के कबाड़ से नाराज होकर अब म्यांमार के सैन्य शासन ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है। वहीं भारत को लगातार बदनाम करने वाले पाक को इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अपना मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही है। एक तरफ कंगाल हो चुके पाकिस्तान की जनता के रोज नए वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो वहीं अब अपने दोस्त चीन की वजह से म्यांमार से खरी खोटी सुन रहा है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल साल 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच लड़ाकू विमान की सप्लाई को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने म्यांमार को JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट देने थे, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान एयरनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स ने चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ मिलकर JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट तैयार किए थे, लेकिन अब इनकी भी हालत चीनी सामान जैसी ही हो गई है, यानी एकदम कबाड़। महज 2 से 4 साल के बीच ये लड़ाकू विमान अब उड़ने की स्थिति में नहीं है। इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की और क्या ही हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 लड़ाकू विमानों की कबाड़ होने पर म्यांमार की सत्ता में काबिज सैन्य शासक जुंटा नेता ने कड़ा एतराज जताया है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख असीम मुनीर को कड़ा संदेश भेजा है। साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान ने म्यांमार को साल 2019 से 2021 के बीच 11 JF-17 लड़ाकू विमान बेचे थे, लेकिन विमानों की डिलीवरी के बाद ही म्यांमार को तकनीकी और बनावट में खराबी का पता चल गया था। इसके बाद म्यांमार को इन विमानों की उड़ान बंद करनी पड़ी थी। इसके बाद इन एयरक्राफ्ट की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भी भेजी थी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो सका। ये एयरक्राफ्ट उड़ने की स्थिति में नहीं है और म्यांमार को मजबूरन इन्हें खड़ा रखना पड़ रहा है। घटिया एयरक्राफ्ट की खेप लेकर म्यांमार अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। म्यांमार को दिए गए JF-17 के फेल होने के बाद अब कोई भी देश पाकिस्तान से ये एयरक्राफ्ट खरीदने को तैयार नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान के फंसते ही चीन अपनी सफाई देने के लिए खुद ब खुद सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को म्यांमार की फटकार मिलते ही इस मामले में चीन ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। म्यांमार में चीन के राजदूत ने सैन्य शासक जनरल अंग मीन को चीनी सरकार के अधिकारियों द्वारा भेजा गया एक मैसेज दिया है, लेकिन ये मैसेज क्या था और किसको लेकर था ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि म्यांमार इस धोखे के लिए लंबे वक्त से चीन के हस्तक्षेप की मांग करता रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी मजबूत है वो पता चल गया है। वहीं JF-17 एयरक्राफ्ट के ना चलने से ये भी साबित हो गया है कि चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। पाक और चीन की ये दोस्ती एक दूसरे से कितनी काम आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन चीन की फितरत को देखें तो वो अपना रुतबा ऊपर रखने के लिए उसी पाकिस्तान के सिर पर इस घपले का ठीकरा फोड़ेगा जो पहले से ही पूरी दुनिया में बदनाम है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।